बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस अजीम शान वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, साहिबाल डिवीजन के तमाम पार्टी अहदेदारान, तमाम MNA MPA टिकट होल्डर साहबान, तमाम विंग्स के अहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुअज्जज़ मोहतरम मियां नवाज शरीफ के जियाले, मियां नवाज शरीफ के शेर वर्करों, अस्सलाम अलैकुम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखनी चाहूँगा। आप ज़रा गौर फरमाएं, इस वक्त पाकिस्तान जो है ये मुश्किलात का शिकार है और सियासी तौर पे बहरान है, मुआशी तौर पे बहरान है। और अगर आज आपने खबरें सुनी हो टेलीविज़न पे ऊपर, तो अदालती बहरान भी है। इस वक्त मुल्क एक बहरानिस्तान बना हुआ है, और अगर इन बहरानों के आप पीछे देखें तो सिर्फ आपको एक चेहरा नज़र आएगा और वो है फितना खान। इन बहरानों के पीछे एक ही चेहरा है और वो फितना खान है। इस आदमी ने 2014 से लेके अब तक इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दोचार किया, सियासी तौर पे बहरान पैदा किए। अब भी पिछले 8 माह से कभी धरना दे रहा है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है। और जेल भरो तहरीक आपने देख ली है इसकी। ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, आपने देख लिया पूरे मुल्क में से सिर्फ 121 लोग इसके साथ खड़े हैं, बाकी कोई आदमी इसके साथ नहीं है। मुआशी तौर पे इस आदमी ने मुल्क को ऐसी पॉलिसियां अपनाई, ऐसा मुआहदा किया IMF के साथ कि मुल्क को इसने मुआशी तौर पे जो है वो बांझ कर दिया। अदालती तौर पे अब असम्बलियां तोड़ के आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हालात हैं, वहां पे क्या कुछ हो रहा है। यानी अदालती तौर पे भी इस फितना खान ने मुल्क को बहरान से दो चार कर दिया है, और ये सिर्फ एक मर्तबा इसको इख्तदार मिला है। जबकि इसके मुकाबल देखे मियां नवाज शरीफ को आपने वोट दे के, आपने एतमाद दे के 3 मरतबा जो है वो इख्तदार दिया। तीनों मरतबा उन्होंने मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके गए। 90 की दिहाई में, 1991-92 में उन्होंने मुल्क को एशियन टाइगर बनाने की तरफ लेके गए। 1997-99 में मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 2013 में मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी से और लोड शेडिंग से निजात दिलाई। मियां नवाज शरीफ ने जब जब भी आपने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया, मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी, मुल्क को आगे लेके बढ़े और मुल्क को बहरान से निकाला। जबकि इस बदबख्त ने, इस बेशर्म इमरानी टोले ने मुल्क को जो है वो बहरानों से दो चार किया है। मैं आपसे ये बात दावे से करता हूं कि अब भी इस मुल्क का हल एक ही बंदे के पास है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। कौम मियां नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार करे तो इंशाअल्लाह ताला
इन तमाम बहरानों से, वो सियासी हो, मुआशी हो, अदालती हो, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को इन बहरानों से निकालेगा। मरियम नवाज शरीफ ने इस फितना खान को चैलेंज किया है और इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज इस मुल्क को इस फितना खान से जो है वो निजात दिलाएगी। मरियम नवाज आपकी दिलेर बहन और बेटी है। मरियम नवाज ने अपनी जान लड़ाने और कुर्बान करने का जो है वो आपके साथ अहद किया है। मरियम नवाज आपकी और पूरी कौम की आवाज़ है। आप मरियम नवाज का साथ दें ताकि इस फितने को ख़त्म करके पाकिस्तान में वही दौर दोबारा लाया जाए जहां से दोबारा तरक्की का पहिया जो है वो आगे चले, मियां नवाज शरीफ वापस आएं और मुल्क को जो है वो इन बहरानों से निकालें। इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज आपकी बहन और आपकी बेटी जो है इस जद्दोजहद में जो है वो भरपूर तरीके से आपको जो है वो लीड करेगी और पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौन।